स्वागत है दोस्तों, तुसी देख रहे हो साडा टीवी यूएसए। असी एक वड्डी अपडेट लैके तुहाडे विचकार हाजिर हाँ। खुशखबरी, पंजाब दे नौजवानां लई चन्नी सरकार ने करता है वड्डा ऐलान। 7 अक्तूबर तक है मौका। हुण मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों हुण तक कई वड्डे ऐलान कर दित्ते गए हन, पर इस विचकार एक होर नवा ऐलान कर दिता गया है। दरअसल पंजाब के नवे चुने गए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों पंजाब के रुजगार बेरोज़गार नौजवानों के लिए पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग वल्लों 864 रूटां ते परमिट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। रूट परमिट 248 रूटां के उपर प्रदान किए जाएंगे। इसकी जानकारी पंजाब रोडवेज जलंधर के जनरल मैनेजर परमवीर सिंह ने अज यानी एतवार महानगर के शहीद आजम भगत सिंह के इंटरस्टेट बस टर्मीनल ते लगाए गए सफाई अभियान दौरान दिती है। उन्होंने दस्या कि ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़ेंग दे वल्लों पंजाब सरकार की घर घर बेरोज़गार योजना 100% लागू करन दे लई दिशा निर्देश जारी कर दिते गए हैं। उन्होंने दस्या कि इस स्कीम के तहत परमिट देने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। जनरल मैनेजर परमजीत सिंह ने दस्या कि रूट परमिट लैण के इच्छुक बेरोज़गार नौजवान 7 अक्तूबर तक RTA दफ्तर च जाके अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने दस्या कि बेरोज़गार नौजवानों को खुद परमिट लैके संबंधित रूटां ते बसों का संचालन करना चाहिए है। इस दे नाल ही उन्होंने इत्थे रुजगार का साधन भी मिल सकता है। सो वड्डी खबर है नौजवानों के लिए, चुप बेरोज़गार हैं अते नाल ही वो नौजवान रूटां दे परमिट लैण दे चाहवान है, तो नौजवान हुण जल्द ही परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह दीयां कोई नवीं खबरां सुनने के लिए जुड़े रहो साडा टीवी यूएसए दे नाल। तद तक सारयां नूं मेरे वल्लों सत श्री अकाल।